हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैडेट सपोर्ट। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं बीएसएफ आरओ एंड आरएम के कैंडिडेट, तो जिनका फिजिकल हो चुका है या फिर जिनका आगे होने वाला है, तो उन लोगों को यहाँ पर क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। और मेरा जो फिजिकल था वो था 20 जनवरी को, जो कि मैं कल देकर आया हूँ। और यहाँ पर देखिए किस में यानी कि अनफिट हो गया हूँ, तो मैं वही शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर पहले आप लोगों की एंट्री होते समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उससे पहले आपका वो बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक के बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो अराउंड 11 बज गए थे, मेरे नंबर आते आते जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी एक फ़ाइल सी होती है, वही आपकी जमा हो जाती है। तो उसके लगभग 10 से 15 मिनट बाद आप लोगों को यहाँ पर सर लोग बुलाने के लिए आते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जब आप वहाँ पर मेजरमेंट होता है उसके बाद, तो देखिए यहाँ पर ये इंदौर सेंटर को बता रहे हैं, तो कुछ सेंटर में प्रोसेस अलग भी हो जाता है, किसी में रिपोर्टिंग या ज़्यादा की हो जाती है। तो पहले हमने सुना है रनिंग भी हो रही, लेकिन मेरे में ऐसा है, जो इंदौर सेंटर है CSWT विद्याधाम मंदिर के सामने, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं था। पहले हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, उसके बाद मेजरमेंट हो रहा था, उसके बाद ही यहाँ पर रनिंग स्टार्ट हो रही थी। यानी कि 50-50 कैंडिडेट एक ग्रुप बन रहा था, जो यानी कि क्लियर कर रहे थे। तो चलिए बताते हैं कि उसके सबसे पर मेजरमेंट होने गया, तो मेजरमेंट में सबसे पहले वेट नापा गया। वेट के बाद यहाँ पर वेट नापने के बाद वहीं पर देखिए सब लगातार हो जाता है मेजरमेंट, आपको कहीं अलग नहीं जाना पड़ेगा, वहीं वेट नप जाएगा वहीं पर हाइट। लेकिन एक चीज़ जो देखी मैंने, यहाँ पर बिल्कुल भी रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं दिया जा रहा था। यानी कि हाइट में जो यानी कि 10 लोग थे मेरे साथ, 10 लोग लाइन में लगे हुए थे मेजरमेंट के लिए, तो 10 लोगों का यानी कि ग्रुप बन के जा रहा था मेजरमेंट में। उसमें से 3 कैंडिडेट हाइट की प्रॉब्लम थी, तो एक की तो 167 पॉइंट में कुछ थी पॉइंट करके, यानी कि उसकी 1 सेंटीमीटर से भी यहाँ पर कम है, यानी कि 1 सेंटीमीटर भी नहीं पूरी को बोल सकते हैं, जो उसकी कम थी 167 पॉइंट कुछ करके थी, तो उसको भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया हाइट में। तो बिल्कुल भी यहाँ पर जिनकी हाइट बिल्कुल है, यदि 168 से आपकी 0.5 ज़्यादा आए तभी आप वहाँ पर फिट हो पाएंगे। तो उस वो भी बोल रहा था मैं घर से, यानी कि मेरी बिल्कुल फिक्स थी 168, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ, तो उस पॉइंट में इसको निकाल दिया था। और देखिए चेस्ट में जो हो रहा है, मोस्टली कैंडिडेट का एक्सपेंशन में प्रॉब्लम आया। जब मेरा 10वीं ग्रुप था यहाँ पर, 10वीं गए, तो 3 कैंडिडेट यहाँ पर एक्सपेंशन वाले ही थे, उनकी चेस्ट हो रही थी, वही किस मेरा हुआ, यानी कि 80 सेंटीमीटर मांग रहे हैं मिनिमम, तो 80 सेंटीमीटर मेरी हाइट थी। जब उन्होंने कहा यानी कि एक्सपेंस करो, तो मेरा 4 सेंटीमीटर बोल रहे थे, एक्सपेंशन हो गया। यानी कि वो बोलते हैं ना 80 से 84, तो देख तो पाते नहीं कितना। और देखिए 1 सेंटीमीटर होता है कितना, बहुत जरा सा होता है, यदि वो इधर से उधर चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसी को बोलते हैं बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा था, यानी कि कोई भी रिलैक्सेशन नहीं। तो फिर उन्होंने एक बार हमसे फिर कहा कि यहाँ पर फिर एक्सपेंशन करिए, तो फिर हमने फिर एक्सपेंशन किया, फिर मेरा फिर थोड़ा और हो गया था, यानी कि पॉइंट में बढ़ गया था, लेकिन 5 एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा था। तो फिर एक सर लोग जो बोले, यानी कि सर लोग बैठे थे सामने, तो उन्होंने कहा पुशअप के लिए, यानी कि जाओ पुशअप लगा के आओ, फिर नापेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो वहाँ पर पुशअप लगाने के बाद फिर हम आए, फिर लेकिन देखिए यहाँ पर जिसका 1 या 2 बार में हो जाता है, फिर एक्सपेंशन यदि आपका 2 से 3 बार हो गया है, यानी कि 2 से 3 बार आप वहाँ पर कर रहे हैं, फिर आपका एक्सपेंशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप लोग फर्स्ट बार में ही कोशिश करें एक्सपेंशन करने की। तो फिर पुशअप लगाने के बाद भी यानी कि 4 से तो बढ़ा है, लेकिन 5 नहीं हुआ, ऐसा वो बोल रहे थे। तो लेकिन जो साइड में जो वहाँ पर आपने किसी ने दिया होगा, उन्होंने यहाँ पर पहले मिनिस्ट्रियल का, तो उन्होंने यहाँ पर एक बात देखी, जो लिखते हैं ना वो आपके वो फॉर्म भरवाते हैं, तो फॉर्म भरवाते वहीं पर आपका लिख दिया जाता है इतना वेट। तो वो जो खड़े थे उन्होंने तो एक बार में इशारा किया था कि हाँ इसको मतलब कर दो 85, मतलब बोल दो, तो वो हल नोट कर लेते, लेकिन जो यहाँ पर मेजरमेंट कर रहे थे उन्होंने बिल्कुल ऐसा भी नहीं किया। तो चलिए कोई बात नहीं उसमें यहाँ पर, तो उन्होंने यानी कि फिर मेरा यानी कि पूरा नहीं एक्सपेंशन हो पाया, ऐसा वो बोल रहे थे। तो 84 पॉइंट कुछ रहा था, लेकिन 0.5 यानी कि आधा सेंटीमीटर बोल सकते हैं, आधा सेंटीमीटर मैंने एक्सपेंस नहीं कर पाया वहाँ पर, ऐसा उन लोगों ने कहा। तो यहाँ पर उतने से मुझको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। तो टाइम आपको यदि आप एक्सप्रेशन नहीं कर पाते, ऐसा नहीं एक बार रिजेक्ट कर रहे हैं, वो 2 से 3 बार आपको
चांस दे रहे हैं, लेकिन फिर होता नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट है थोड़ा। और देखिए वहाँ नापने वाले के ऊपर भी होता है, क्योंकि ये आपने कभी नापा थोड़ा फीता इधर से थोड़ा इधर कर लेते हैं, बिल्कुल चिपका देते हैं, तो 2-3 सेंटीमीटर का हाल अंतर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं कैसे नापा, क्योंकि इसमें हमको बिल्कुल टेंशन नहीं थी नहीं क्योंकि एक्सपेंशन का यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जस्ट 15 दिन पहले मैंने इसी सेंटर पर मिनिस्ट्रियल का वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल यही यानी कि एफिशिएंसी टेस्ट ये दिया था मैंने, तो उसमें यहाँ एक फर्स्ट बार में ही यहाँ पर एक्सपेंशन हो गया था 5 सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत ही नहीं था। हाँ मेरा चेस्ट जरूर वहाँ पर कम था, 79-80 नहीं हुआ था, तो 15 दिन थे मेरे पास, तो मैंने एक्सरसाइज की पुशअप की, तो यहाँ पर घर पर 82 तक यहाँ पर चेस्ट आराम से हो रहा था जब माप मेजरमेंट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर 80 हुआ, तो आप देख सकते हैं कितना वेरिएशन रहता है आप वहाँ पर यहाँ पर। लेकिन फिर भी यहाँ पर 80 था क्वालीफाई, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंशन नहीं हुआ, तो चलिए कोई नहीं। तो 3 लोगों का था यही सेम एक्सपेंशन वाला, लेकिन उनको भी पुशअप लगाने का मौका दिया, लेकिन फिर नहीं, एक की तो हम बोलेंगे चेस्ट 87 थी, बिल्कुल सही 87, उसने 5 एक्सपेंशन नहीं कर पाया। आप सोच सकते कितनी उसकी यहाँ पर जो वेरिएशन वो कितना बोल सकते कितनी ज़्यादा उसकी थी, जो यहाँ पर आपकी मिनिमम है 80 से 87 उसकी मतलब थी 87, और उसने 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन नहीं कर पाया। मेरे ही साथ था वो ग्रुप में, तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन पुशअप के लिए बोलते हैं एक बार, मतलब एक बार नहीं करते, फिर आपकी वहीं पर फ़ोटो खींच ली जाती है और उसको साइन करवा दिए जाते हैं कि मैं अपील नहीं करूँगा, और ये साइन करके आपको रिजेक्शन का एक वो फॉर्म दे देते हैं। तो यही है, आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा बहुत ही केयरफुल्ली रहना है। तो आप लोग एक्सपेंस पहले से, यदि आपकी चेस्ट है मिनिमम, आपको डाउट हो रहा है 81 है या 80, तो आप एक्सपेंशन बिल्कुल भी ना ले, यानी कि पहले से हवा भर के ना खड़े, बिल्कुल आपको रिलैक्स होकर खड़े रहना है। यदि आपने 1 या 2 सेंटीमीटर थोड़ी भी हवा इनहेल कर ली, तो आप यहाँ पर एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे, तो यही आपको बताना चाहते हैं। और फिर उसके बाद जो यहाँ पर क्वालीफाई कर रहे थे वो 50-50 करके यहाँ पर जो रनिंग करवा रहे थे, जो रनिंग का भी बहुत डाउट रहता है, रनिंग जो थी यहाँ पर वो रोड पर हो रही थी, कोई ग्राउंड नहीं था, तो हाई जंप और लॉन्ग जंप का तो मैंने देखा ही नहीं क्योंकि रिजेक्ट हो गया, लेकिन जो हाँ दौड़ का तो मैंने देखा था, वो ग्राउंड पर ही हो रही थी, और 50-50 करके कैंडिडेट की यहाँ पर दौड़ करवाई जा रही थी। और धूप भी बहुत तेज़ हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर 11 बजे तो मेरा ही हुआ था, वही 12 बज गए थे फर्स्ट ग्रुप की दौड़ होने में, क्योंकि मैं सबसे पहले ही पहुँच गया था, यानी कि फर्स्ट ग्रुप जो एंट्री हुई थी सबसे पहले यहाँ पर हो गई थी। तो लाइन तो बहुत लंबी थी, 50 करके आते जाते थे, मेजरमेंट 50 होता जाता उनकी रनिंग आगे प्रोसेस होता जाता था, और फिर जो कैंडिडेट आते जाते थे तो होता जाता था। 287 की टोटल की यहाँ पर मेरे रिपोर्टिंग थी इंदौर में। तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आज कर सकते हैं, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कोई भी डाउट हो कमेंट में आज कर सकते हैं, और इसी डिफेंस रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। और एक बात है, यहाँ पर बिल्कुल जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी बिल्कुल यहाँ पर जेन्युइन देते हैं, और तो आप टेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा एक क्लिप भी देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ी मेरे दोस्त ने रिकॉर्ड कर ली वेल आउट, लेकिन यहाँ पर वो मना कर रहे थे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें, तो मैंने इसलिए यहाँ पर इसकी की, क्योंकि यहाँ पर इसमें कुछ भी अंदर की इन्फॉर्मेशन ऐसी जो नहीं है जो लीक होनी चाहिए, क्योंकि फौजी नहीं हुई है तो क्या होगा, क्योंकि करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के बारे में कोई भी जब वो मना करते हैं तो यहाँ पर वीडियो आपको नहीं बनानी चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत से कैंडिडेट बना रहे थे। तो लेकिन ये क्लिप मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अंदर की कोई भी इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो थोड़ा देख सकते हैं, आपको चेस्ट नंबर मिल जाता है, चेस्ट नंबर से ही सब कुछ आपका यहाँ पर मेजरमेंट होता है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।